34 एचपी का ट्रैक्टर है, पावर ट्रैक 434 जी जी, छोटी किसानी अच्छा, या फिर ट्रॉली पर्पस के लिए जी, और कंस्ट्रक्शन में भी काफी काम आ रहा है आजकल। अच्छा जी, अच्छा भैया, सक्शन मशीन वगैरह पे भी काफी यूजफुल है ये। 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल रहने वाला है। अच्छा जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए भैया। 35 एचपी कैटेगरी में ये भी है। अच्छा अच्छा, ट्रॉली एचपी का, ये ट्रॉली है छोटी किसानी के लिए, काफी अच्छा, कस्टमर्स पसंद करते हैं इसको। अच्छा अच्छा जी, ये 2015 मॉडल है, 2015 मॉडल है। अच्छा, ये पावर ट्रैक का 4455 बीटी है। अच्छा, 55 एचपी का ट्रैक्टर है जी जी, 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है। अच्छा, बाकी आप लोग टायर का कंडीशन वगैरह देख पा रहे हैं, गाड़ी का कंडीशन वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ बिल मेंटेन है। 50 एचपी की ट्रैक्टर जी जी, पावर स्टीयरिंग डबल क्लच रिवर्स पीटीओ, 1428 650 16। अच्छा, फ्रंट टायर 2015 मॉडल। अच्छा, 15 मॉडल आने वाला। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, वो जो 11 मॉडल था, और ये 2009 मॉडल है, 2009 मॉडल है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे सामने है पावर ट्रैक 434। तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोग को लेकर आ गया हूँ यूपी के गोरखपुर से सेकेंड हैंड ट्रैक्टर का वीडियो। बहुत से भाई लोग कहे थे कि स्वयं भाई ठीक है, फिर से सेकेंड हैंड ट्रैक्टर का वीडियो बनाइए, नया अपडेट करिए गोरखपुर में। तो आप लोग देख पा रहे हैं ठीक है, पावर ट्रैक है, स्वराज है, और मैं इस समय मौजूद हूँ यूपी के गोरखपुर के छासंग चौराहे पर। आप लोग जैसे ही आएंगे तो आप लोग को राइट साइड में मेवालाल ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या प्राइस आने वाला है ट्रैक्टर का, जो मिनिमम प्राइस कितने से शुरू हो जाता है, कौन कौन सा ट्रैक्टर है, फाइनेंस की सुविधा क्या रहने वाला है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग भी किसान भाई हैं और सस्ते से सस्ते दाम में ट्रैक्टर को परचेज करना चाहते हैं या उसका कोई भी सभी पार्ट्स लेना चाहते हैं, वो सब कुछ आप लोग को मेवालाल ट्रैक्टर के यहाँ मिल जाएगा। तो आइए, यहाँ के जो भैया हैं तुषार भैया, उनको बुलाते हैं, सारी डिटेल जानते हैं और इनके यहाँ जो भी कलेक्शन है ट्रैक्टर का सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत दिनों बाद मेवालाल ट्रैक्टर से जुड़ चुके हैं यहाँ के जो ऑनर हैं तुषार भैया। भैया कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। पहले आपको नमस्कार। नमस्ते भैया, ये बताइए आज की इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा कलेक्शन देखने वाले हैं और कौन कौन सा मॉडल देखने वाले हैं और जो मिनिमम प्राइस है क्या रहने वाला है? भैया, आज का जो मिनिमम प्राइस है वो 1,60,000 रुपये रहने वाला है। अच्छा, आज के कलेक्शन में हमारे पास पावर ट्रैक, स्वराज, आइसर, मैसी। अच्छा अच्छा, बात करें मेवालाल ट्रैक्टर इस लाइन में कब से काम कर रहा है और यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है ट्रैक्टर से रिलेटेड? भैया, मेवालाल ट्रैक्टर हमारी ये फर्म सन 84 से। अच्छा जी, यहीं पर कबाड़ी मार्केट नाम फेमस है और शुरुआत इस मार्केट में लगभग हम लोगों ने ही करी थी। अच्छा अच्छा जी, सन 84 से बाबू मेवालाल जी हमारे बड़े पापा जी, जी। और बाबू किशोर जी मेरे पापा। अच्छा, आप दोनों लोगों ने शुरुआत करी। मतलब तीसरे ऑनर आप हैं? तीसरे ओनर क्या मतलब, ओनर तो अभी भी वही लोग हैं, मैं बस अब संभाल रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, मेरे ट्रैक्टर्स से रिलेटेड गियर पार्ट्स जी, रिंग्स जी, हाइड्रोलिक के पार्ट्स। अच्छा अच्छा, हाउसिंग्स, एक्सल ट्यूब। तो ये सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पावर ट्रैक 434 से, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताइए और एक्सप्लेन करिए। ये 34 एचपी का ट्रैक्टर है, पावर ट्रैक 434 जी जी, छोटी किसानी अच्छा, या फिर ट्रॉली पर्पस के लिए जी, और कंस्ट्रक्शन में भी काफी काम आ रहा है आजकल। अच्छा जी, अच्छा भैया, सक्शन मशीन वगैरह पे भी काफी यूजफुल है ये। अच्छा अच्छा जी, आजकल काफी हमारे कस्टमर सक्शन मशीन चलाते हैं सरकार के साथ मिलकर जी, वो भी काफी पसंद करते हैं 34 को। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मॉडल की बात करें तो 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल रहने वाला है। अच्छा, बाकी टायर कंडीशन की बात करें, टायर कंडीशन कैसा रहने वाला है? पिछला टायर 40 पैसा गाड़ी के साथ ओरिजिनल जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी आप लोग आगे का भी टायर देख पा रहे हैं? आगे का टायर हल्का डाउन है बट वो मैनेजेबल है, आगे का टायर उतना मेरे हिसाब से उतना मायने नहीं रखता है जी जी, मतलब जो पीछे का होता है जो भी रहेगा आप लोग को बता दिया जाएगा ना भैया, ये है तो ये बता दिया जाएगा ना भैया। चलिए, बात करते हैं फाइनेंस की सुविधा, तो क्या फाइनेंस की सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध? फाइनेंस की सुविधा हाँ है, लेकिन बहुत दूर के लिए नहीं, आसपास के जिलों के लिए है। और किसान भाई मुझे अगर फोन करेंगे, कस्टमर्स हमारे फोन करेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से मैं बता पाऊंगा कि उनके डिस्ट्रिक्ट के लिए फाइनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, और उनके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है कि फाइनेंस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बैंक डिसाइड करता है। अच्छा भैया, प्राइस क्या रहने वाला है इसका? 2.5 लाख आस्किंग प्राइस है। बाकी नेगोशिएबल की बात करें तो कुछ हो जाएगा? बिल्कुल भैया, आपको पता है पहले भी ये बात बहुत क्लियर है कि नेगोशिएबल होगा। अच्छा, आइए, कस्टमर गाड़ी देखिए, यहाँ पे आपको गाड़ी अगर समझ में आती है तो इसके प्राइस पे हम बात कर लेंगे। मतलब अभी तक कहाँ कहाँ तक जो हमारे वीडियो के माध्यम से कहाँ कहाँ तक गाड़ी को सेल की है? देखिए, इंक्वायरीज तो मेरे पास काफ़ी लगभग पैन इंडिया से आई हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस जी जी, है ना, ये थैंक यू कि ये इतना यूट्यूब के माध्यम से फेमस हो रहा है जी जी, पूरे पैन इंडिया में। अच्छा, चीज़ें पहले भी प्रचलित थी लेकिन वो पूर्वांचल तक सीमित थी। अच्छा, अब यूट्यूब के माध्यम से पैन इंडिया ये फेमस हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें अभी ये बात करते हैं। नेक्स्ट गाड़ी है स्वराज 834 XF, इसके बारे में बताइए भैया।
35 HP कैटेगरी में ये भी है। अच्छा अच्छा, 35 HP का ये ट्रॉली है, छोटी किसानी के लिए काफी कस्टमर्स पसंद करते हैं इसको। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इस गाड़ी का कंडीशन बिल मेंटेन है, जो भी मतलब बाकी जो भी गाड़ियाँ रहती हैं वो सबसे भी बेहतर गाड़ी। भैया बात करते हैं, अगर इस गाड़ी को चलाते हैं तो क्या मतलब कोई आवाज़ वगैरह नहीं जाता है? भैया मैं खुद पर्सनली जाता हूँ गाड़ियाँ लेने। अच्छा, अच्छा। और कोशिश यही रहती है मेरी कि जो गाड़ी का कंडीशन ठीक हो वो मैं ले आऊँ। अच्छा, अगर जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, भले ही मुझे इसमें दो पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये मेरे कस्टमर के साथ धोखाधड़ी होगी, जो कि आगे कस्टमर फिर बहुत जाहिर सी बात है कि मेरा कस्टमर फिर मेरे साथ, मतलब अगर आपके यहाँ से कोई कस्टमर जुड़ता है तो आप जैसे मतलब उसे बढ़िया गाड़ी देंगे तो और भी कस्टमर लेकर आएगा ना भैया। गाड़ी की जो भी एक्चुअल कंडीशन होती है मैं बहुत साफ बताता हूँ। अच्छा। और कस्टमर्स को ये एकदम सीधा बोल देता हूँ कि आप एक बार गाड़ी चला के जैसे चाहते हैं चेक कर लीजिए। 35 HP का मॉडल कौन सा बताए? ये 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है। अच्छा, बाकी आप लोग देख पा रहे हैं, बाकी भैया इधर जो हम लोग सीट वगैरह देख रहे हैं, एक्चुअली ये गाड़ियाँ अभी जल्दी ही आई हैं। अच्छा, ये सीट कवर्स वगैरह मैं लगा दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। इस उसके बाद जो अंदर हम लोग जो स्टॉक में रखे हुए हैं कौन कौन सी गाड़ी, मतलब कौन आइसर है, पावर ट्रैक है, अच्छा सोनालिका भी है जी, जिसकी आज डिलीवरी है। हाँ भैया, जिसका डिलीवरी है उसका भी हम लोग वीडियो कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आइए चाहे चलते हैं अंदर, ठीक है, वहाँ भी जो भी गाड़ी स्टॉक में है उसको भी देखते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं भैया के स्टॉक में, जहाँ पर ये स्टॉक को स्टोर करके रखे हुए हैं। तो भैया ये बताइए, यहाँ पर मतलब कौन कौन सा कंपनी का ट्रैक्टर रखे हुए हैं? पावर ट्रैक, मैसी, आइसर, अच्छा एक सोनालिका की डिलीवरी अभी हुई जिसको आप लोगों ने कवर भी किया है। जी कवर किया है, ठीक है। तो भैया थोड़ा हमको पावर ट्रैक के बारे में बताइए, मतलब कौन सा मॉडल है और क्या प्राइस रहने वाला है इसका? ये पावर ट्रैक का 44-55 BT है। अच्छा, 55 HP का ट्रैक्टर है जी। जी 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है। अच्छा, बाकी आप लोग कार का कंडीशन वगैरह देख पा रहे हैं, गाड़ी का कंडीशन वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ बिल मेंटेन है। भैया बात करें तो इस गाड़ी साथ क्या क्या मिलेगा? ओनली ट्रैक्टर। अच्छा, वही ट्रैक्टर मिले। अभी मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं जी ओनली ट्रैक्टर। अच्छा, आज के डेट में हमें किसान भाई कल्टीवेटर्स नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। लोग रख लेते हैं जी, अक्सर रोटावेटर होता है तो वो नहीं लेते हैं जी, तो इसलिए हमारे पास अभी केवल ट्रैक्टर है। ठीक है, ठीक है जी। अगर किसान कभी आए हमारे पास या हमारे कस्टमर आए हमारे पास, उस वक्त हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कल्टीवेटर रहा तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, वो कस्टमर देना पड़ेगा, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी डिटेल जानना है तो आप लोग को ठेका नंबर से और अगर उस पर कॉल करिए, जो भी डिटेल है सारा मिल जाएगा हम लोग। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी है हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग सुनते जाइए। सही बात है भैया, मैं भी यही खुद कहता हूँ कि आइए गाड़ी देख के चलाइए, उसके बाद मेरे से बात करिए। अच्छा अच्छा, अगर कस्टमर हमारे आसपास का होगा गाड़ी लोन करा देंगे। करंट ईयर से 10 साल पहले तक की गाड़ियाँ लोन हो जाती हैं, कोशिश करते हैं 1-2 साल और मतलब 11-12 साल तक की गाड़ियाँ लोन करा दें। अच्छा अच्छा, पेपर वर्क्स में कोई परेशानी नहीं आएगी, थोड़ा समय लगता है जी। जो नियम है 45 दिन का RTO का नियम है NOC निकलने के लिए, वो टाइम लगेगा ही लगेगा। अच्छा, कोशिश करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए जी, और इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि कागज़ में कोई भी गड़बड़ी होगी या तो फ्रॉड होगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भैया को काम करिए, क्योंकि भैया का ये जो स्टॉक है ना, मतलब हमको लग रहा है एक से दो दिन में पूरा ना भैया, मतलब हमको लगता है आउट हो जाता होगा ना भैया। भैया मैं क्या बताऊँ, ये गाड़ी पे लगभग ये गाड़ी बुक है। अच्छा अच्छा, सिर्फ वीडियो में कवर करने के लिए इसको हम ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो स्टॉक है थोड़ा दिखाई दे, ये गाड़ी आज ही बुक है। अच्छा अच्छा, मतलब 8 अब स्टॉक हो चुका है ये लग। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस बाकी भैया उसका जो अगला जो हम लोग का ट्रैक्टर रहने वाला है मैसी है, इसके बारे में डिटेल बताइए। मैसी 72-50। अच्छा, 50 HP के ट्रैक्टर जी जी, पावर स्टीयरिंग डबल क्लच रिवर्स PTO, 14-28, 650-16। अच्छा, फ्रंट टायर। अच्छा, 2015 मॉडल। अच्छा, 15 मॉडल आने वाला है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी कितने HP बताएं इसको? 50 HP के ट्रैक्टर है। जी जी, पिछला टायर 20 पैसा। अच्छा है, कस्टमर चाहेंगे तो नया टायर डाल के देंगे जी जी, चार्जेस जो भी होंगे वो कस्टमर को पेयर करने होंगे। अच्छा जी, मतलब जो भी कस्टमर आएंगे यहाँ से एकदम सेटिस्फाइड करके भेजा जाएगा ना, कोशिश यही रहेगी हमारी। अच्छा, बाकी आप लोग ठीक है, पूरा ट्रैक्टर का वातावरण देख पा रहे हैं, काफ़ी ठीक है, वेल मेंटेन ट्रैक्टर है। अगर यार जो कलर वगैरह है, अगर बाई चांस मान लीजिए उड़ जाता है तो क्या आप उसको करा के देते हैं कि मैं जैसी गाड़ी होती है वैसे ही कंडीशन में रखता हूँ और वैसे ही बेचने में भरोसा रखता हूँ, ताकि कस्टमर को पता रहे। अच्छा, जिसमें मतलब बहुत से लोग होते हैं कि अगर कलर उड़ जाता है तो उसको डेंट पेंट करके नहीं कर सेल कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास एक भी ट्रैक्टर आप रीपेंट नहीं पाएंगे जी, मतलब जो भी रहेगा फ्रेश रहेगा। अगर आप चाहते हैं कराना जो है कंडीशन सामने है, पेंट है नहीं है, जो है सामने। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना रहने वाला है इसका? 2,90,000। अच्छा, 2,90,000, बाकी नेगोशिएबल थोड़ा बहुत हो जाएगा। बहुत? अच्छा, बहुत कम। चलिए ठीक है। उसके बाद भैया जो अलग ट्रैक्टर है वो भी है पावर ट्रैक ना, 437 DS। जी हाँ जी। भैया कितने HP का है ये? 41 HP। 41 HP का है। 41। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी आप लोग इस ट्रैक्टर का कंडीशन देखिए,
आप लोग मतलब सब कुछ बेल मेंटेन मिलेगा। आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग मेवाला ट्रैक्टर में आते हैं ठीक है, तो आप लोग को जितनी भी गाड़ियां हैं आप लोग लेंगे सेटिस्फाइड होकर जाएंगे। बाकी इनके यहाँ ठीक है काफ़ी बड़े लेवल पे काम किया जाता है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। मैं आप लोग को शुरू में ही बताया था भैया, इसे मॉडल कौन सा बताएं? 2016 मॉडल है जी। अच्छा अच्छा, प्राइस की बात करें तो 3,10,000। 3,10,000 जी। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं मतलब एकदम वेल मेंटेन है। भैया अगर बात करें, अगर कोई कस्टमर ठीक है बाहर से आता है तो क्या उसको डिलीवरी हो जाएगा? मान लीजिए यूपी छोड़ के कहीं उसे आता तो? नहीं, मैं कस्टमर्स को बोलता हूँ आप आइए गाड़ी देखिए जी, और उसके बाद हमसे बात करिए कि आपको गाड़ी ले जानी है क्या करना है। अच्छा अच्छा, कोशिश यही मेरी रहती है कि कस्टमर को जाके गाड़ी देख के ले जाए। अच्छा भैया सर, मतलब जो सेकंड ट्रैक्टर लेता है तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए? इसे बहुत से लोग जानते नहीं है, मान लीजिए आ गए भैया हमको ट्रैक्टर लेना है, इनके साथ मतलब जो मिस्त्री नहीं आया, तो मतलब क्या क्या देखना चाहिए कि मतलब गाड़ी चलिए ठीक है? देखिए थोड़ी बहुत सेकंड हैंड में हल्के फुल्के लीकेजेस होते हैं, वो ऑयल सील्स के होते हैं, वो सर्विस में कवर होता है। अच्छा ठीक है, बड़ी जो मेजर चीज़ होती है वो हाइड्रोलिक पंप और इंजन होती है। अच्छा, ये तीन चीज़ मेजर मैं खुद भी देख के गाड़ी लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर कहीं से ऑयल सील कटा हुआ है कुछ हल्की बहुत लीकेज है उसको इग्नोर करता हूँ। अच्छा जी, मतलब जो भी रहता बता देते हैं ना भैया, जो रहता है एकदम क्लियर सामने रहता है। मैं कस्टमर से कहता हूँ आप गाड़ी भैया खुद चला के देखिए जी जी, उसके बाद ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं पावर ट्रैक 437 DS का टिकट, जो भी डिटेल था भैया बता दिए हैं। बहुत सारे लोग करेंगे कि स्वयं भैया घंटा नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग डिस्प्ले पर नंबर 16 था ना भैया, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके भैया जो अगला जो नेक्स्ट ट्रैक्टर है वो कौन सा आने वाला है? आइसर 333। अच्छा अच्छा, कितने एचपी का होगा भैया? 33 HP 35 HP कैटेगरी में होता है। अच्छा, 2011 मॉडल जी, गोरखपुर का नंबर। अच्छा, गोरखपुर का नंबर। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा भैया इससे बात करें तो जो हम लोग नंबर वगैरह है, इस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? मैं खुद भी नंबर से फोकस करके नहीं लेता हूँ, कई ऐसे हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट का नंबर चाहिए होता है। अच्छा, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि हम सेकंड हैंड में डील करते हैं जी, हम गाड़ी देखते हैं नंबर नहीं, हम गाड़ी का कंडीशन देखते हैं। अच्छा अच्छा, हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है तो हम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी आप लोग इस गाड़ी का कंडीशन देख रहे हैं, जितने भी गाड़ियाँ मिल रही हैं आपको कंडीशन वेल मेंटेन है? बाकी कंडीशन हमेशा मॉडल के हिसाब से होता है, मॉडल के हिसाब से कंडीशन होता है और उसी हिसाब से उसका रेट होता है। अच्छा अच्छा, आयसर का 333 मात्र 2,00,000 में लेकर जा सकते हैं? 2011 मॉडल। 2011 मॉडल जी। अच्छा ठीक है, उसका भैया जो अगला ट्रैक्टर जो बाहर लगाए हैं वो उसका क्या प्राइस रहने वाला है? 1,60,000, वो आज की हमारी सबसे सस्ती गाड़ी है। 1,60,000 से स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, आयसर 333 भैया, वो जो हम लोग सीख पाए देखे तो वो और दोनों एक ही है क्या? दोनों एक ही मॉडल है गाड़ी का। अच्छा, 2009 मॉडल ये है। अच्छा, अंदर जो हमने देखी वो 2011 मॉडल थी। अच्छा अच्छा, वो जो 2011 मॉडल था और ये 2009 मॉडल है। 2009 मॉडल है जी। अच्छा भैया, वैलिडिटी बात करो तो मतलब कितना साल तक इसका? 15 साल तक की वैलिडिटी होती है, उसके बाद कस्टमर्स चाहें तो 5 साल के लिए और वैलिडिटी बढ़ जाती है। अच्छा जी, वो RTO में जो चार्जेस होते हैं वो कस्टमर को देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, बाकी आप लोग देख पा रहे हैं इस गाड़ी का कंडीशन बिल मेंटेन है। भैया प्राइस क्या कितना कितना होता है इसका? 1,60,000। 1,60,000 से स्टार्ट हो जाता जी। है। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का यह जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को ठीक है भैया एक एक करके जितना भी गाड़ी है सबका कंडीशन बताए हैं, कितना चला हुआ है ठीक है, क्या प्राइस रहने वाला है, मतलब कितना चला हुआ है ये सब आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। मॉडल क्या है, कितना ठीक है प्राइस रहने वाला है, सबको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं कर दिए हैं। और ये जाते जाते एक बार हमको यहाँ कैडेस बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। मेवाला ट्रैक्टर्स जी, चौराहे के पास। अच्छा, गोरखपुर जी, स्टेशन और बस स्टेशन दोनों ही बहुत करीब, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर दोनों ही जी। और मोबाइल नंबर 7507-7730-49। अच्छा, बाकी अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट चाहिए आप लोग दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, भैया से पूछ सकते हैं, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ठीक है, तो भैया आप लोग को डायरेक्शन बता देंगे ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का ये जो वीडियो है सेकंड हैंड ट्रैक्टर का पसंद आया होगा, बहुत से भाई लोग का ठीक है मतलब डिमांड था कि स्वयं मैं वीडियो लेकर आइए। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।